देखो भाई, अभी अभी दमन की ओर से बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि दमन की हिंदी डबिंग जो है वो संकेत मात्र ही करने वाले हैं। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या अभी तक दमन की डबिंग नहीं हुई, और पहले तो बोला गया था कि भाई दमन की डबिंग दमन के एक्टर बुबूसान मोहंती करने वाले हैं। तो अब ये एकदम से क्या हो गया जिस कारण दमन की डबिंग के लिए वॉइस आर्टिस्ट संकेत मात्र को बुलाया गया। सभी सवालों के जवाब मिलने वाले आपको इस वीडियो में, बस बन रही वीडियो के एंड तक। अभी से लगभग 2 घंटे पहले दमन के डायरेक्टर विशाल मौर्य ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की जिसमें लिखा डबिंग फॉर दमन विद संकेत मात्र, मतलब कुल मिलाकर दमन की डबिंग संकेत मात्र कर रहे। 2 घंटे पहले दमन के डायरेक्टर मौर्य अपने फेसबुक पर पोस्ट किया और लोगों को बताया। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या अभी तक दमन की डबिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो दोस्तों नहीं, अभी तक इसकी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी इसकी डबिंग स्टार्ट होगी और डबिंग करेंगे संकेत मात्र, जो कि शायद आप लोगों को बताऊंगा साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों में डबिंग करते हैं। स्टार्टिंग में सोशल मीडिया पर यही न्यूज चल रही दमन की हिंदी डबिंग संकेत मात्र करने वाले, लेकिन उसके बाद खुद मेकर्स नहीं बता दिया भाई ऐसा कुछ नहीं है, दमन की डबिंग खुद दमन के एक्टर खुद बुभूषण मोहंती करने वाले। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जिस कारण दमन के मेकर्स ने दमन की डबिंग के लिए संकेत मात्र को बुलाया। दोस्तों दमन की डबिंग जो है वो बुभूषण मोहंती करने वाले, लेकिन बुभूषण मोहंती की हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं है। वैसे तो उनकी हिंदी परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट नहीं है कि वो किसी फिल्म की डबिंग कर सके। देखो अगर कहीं करोड़ों रुपए डालकर फिल्म बनाते और एक छोटी सी डबिंग के कारण कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए तो भाई पूरी फिल्म पर पानी फिर जाता है। आप लोगों को बताऊंगा मार्च में प्रभास की राधेश्याम फिल्म आई थी जिसमें हिंदी डबिंग खुद प्रभास ने ही की थी, लेकिन उनकी हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं थी वो किसी भी फिल्म की डबिंग कर सके, और फिर भी उन्होंने राधेश्याम फिल्म की डबिंग की जिस कारण वो फिल्म बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और अपने बजट के आधे पैसे भी नहीं निकाल पाई। तो यही चीज दमन के मेकर्स के दिमाग में भी आई कि भाई हम लोग अगर बुभूषण मोहंती सही डबिंग करवा लेंगे और उसकी डबिंग अच्छी नहीं हुई तो भाई पूरी फिल्म पर पानी फिर जाएगा और कोई भी इसे देखने नहीं आएगा। फिल्म में मेन चीज क्या होती है वॉइस, और वो वॉइस ही अगर अच्छी नहीं आएगी तो भाई पूरी फिल्म किसी भी काम की नहीं है, उस फिल्म को कोई नहीं देखेगा। और इसी रीजन से दमन के मेकर्स ने ये डिसीजन लिया कि भाई दमन की हिंदी डबिंग जो है वो संकेत मात्र से ही करवाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से ये काफी सही डिसीजन है, क्योंकि यार खाली वॉइस के कारण पूरी फिल्म बर्बाद हो जाए, इससे अच्छा तो डबिंग में 2 पैसे ज्यादा खर्च हो जाए, ये चलेगा। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है दमन की हिंदी डबिंग के लिए कौन परफेक्ट है, बुभूषण मोहंती सर या फिर संकेत मात्र सर? कमेंट में अपनी राय जरूर दे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।